लातेहार प्रखंड मुख्यालय के समीप रैन बसेरा में अस्थायी रूप से संचालित दुकानदारों को नोटिस दिए जाने के बाद विस्थापित दुकानदारों में भय और मायूसी का माहौल था, जिसके बाद आज स्थानीय विधायक हरिकृष्ण सिंह ने बरवाड़ी पहुंचकर विस्थापित दुकानदारों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना, जिसके बाद विधायक ने मौके पर अंचलाधिकारी नित्य निखिल सुरीन को बुलाया और विस्थापितों की समस्या को लेकर विधायक ने विस्थापित दुकानदारों को उनके स्थान से न हटाने की अपील की। वहीं विधायक ने कहा कि विस्थापित दुकानदार अपने स्थान पर ही बने रहेंगे और जल्द ही वो अधिकारियों से बात कर एक कमेटी गठित करते हुए सभी विस्थापित दुकानदारों के लिए सरकार नियम अनुसार उनके लिए दुकान का निर्माण भी कराएगी। वहीं विधायक की पहल पर विस्थापित दुकानदारों को राहत मिलने के बाद दुकानदारों ने विधायक का आभार जताया। मुझे यहाँ के लोगों के द्वारा मालूम हुआ कि रैन बसेरा के इर्द गिर्द जितने भी दुकान है अंचलाधिकारी द्वारा उसको हटाने का निर्देश दिया गया है। मैंने उसे त्वरित संज्ञान में लिया और आज मैंने अंचलाधिकारी को बुलाकर दुकानदारों के साथ में एक छोटी मैंने बैठक किया और उसमें सीओ को मैंने निर्देश दिया है कि चूंकि इनके पास रोजी रोटी का यही साधन है, इसे किसी तरह का आप इसमें कार्रवाई नहीं करें, ये यथावत बने रहेंगे, तो मैं आश्वस्त करता हूं कि उनकी दुकान नहीं हटाई जाएगी, उनका दुकान गढ़वा पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।